आज हम लोग ये पढ़ेंगे स्टीयर के वायरिंग के बारे में। स्टीयर के वायरिंग में जो हम लोग एक्चुअल ऑपरेशंस होते हैं उसका हम पीएलसी के ऊपर कैसा सीक्वेंस बनेगा वो देखेंगे। तो हमारे पास स्टीयर के वायरिंग में जो स्टीयर के पे बल्ब रहता है उसको हम ग्राउंड फ्लोर से भी ऑपरेट करते हैं, फर्स्ट फ्लोर से भी ऑपरेट करते हैं। तो जब ग्राउंड फ्लोर से ऑपरेट करना रहता है तो हम ग्राउंड फ्लोर से स्विच ऑन करते हैं और फर्स्ट फ्लोर पे जाकर स्विच ऑफ करते हैं, तो या उसकी अपोजिट पोलैरिटी करते हैं तो वो ऑफ हो जाता है लैंप। तो वही चीज हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हम लोगों ने एक्चुअल में लॉयर डायग्राम में दो एनो लिए हैं, ग्राउंड फ्लोर स्विच एंड फर्स्ट फ्लोर स्विच, और उनको ही पैरेलल में दो एनसीज लिए हुए हैं, ग्राउंड फ्लोर स्विच एंड फर्स्ट फ्लोर स्विच। तो इसका ऑपरेशन कैसा होगा वो हम लोग ऑनलाइन जाकर देखते हैं। ये हमारे पास ऑपरेशन के लिए है, अभी नॉर्मल कंडीशन ले लेता हूँ पहले मैं। ये मेरी नॉर्मल कंडीशन है। अभी मेरा क्या है कि मतलब जो बल्ब है स्टेयर केस का जो लैंप है वो ऑन है, तो मैं फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे जाऊंगा और सेकंड फ्लोर से इस लैंप की पोलैरिटी को चेंज करूंगा। जैसे ही मैं इसको ऑन करूंगा तो लैंप ऑफ हो जाएगा, और जैसे ही ये लैंप ऑफ होगा मैं अपना काम करूंगा, मतलब मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूं अपना काम वाम कर रहा हूं, और जैसे ही मैं रिटर्न आऊंगा तो मैं इसको फिर से यहां से उसकी पोलैरिटी अपोजिट करूंगा। ये अपोजिट किया, फिर से लैंप ऑन हो गया, और जब मैं फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पर आया अगर से मेरे को स्टेयर केस का लैंप ऑफ करना है तो मैं इसको ऑफ कर दूंगा, पोलैरिटी अपोजिट, लैंप की पोलैरिटी भी अपोजिट हो गई। इसी तरीके से हम लोग लॉजिक बना सकते हैं ना। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे, तब तक बाय बाय।